ओके, वेलकम बैक एवरीवन। आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बच्चे फटाफट जुड़ जाइए, आज बहुत स्पेशल क्लासेस होने वाली है आप लोगों के लिए। कुछ करंट अफेयर्स है और विद बहुत सारे एमसीक्यू लेवल के क्वेश्चन। फटाफट जुड़िए बच्चे। और जो है, हमें अभी एमसीक्यू क्वेश्चन तो करना ही है, लेकिन हम डेली करंट अफेयर्स पर भी अब ध्यान देंगे। और आप लोगों के लिए काफी अच्छा मैंने एक आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आया हूँ, जो डेली बेसिस पे रहेंगे, और उसके बेसिस पे हम कुछ एमसीक्यू लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो फटाफट जुड़ जाइए और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और भी बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि हम आपके लिए बहुत कुछ अच्छा कर पाए। ठीक है, तो हम बैंक एग्जाम की तैयारी के हिसाब से बैंकिंग अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस को लेकर पढ़ रहे हैं बच्चे। और इस क्लासेस में काफी कुछ आपके लिए है, जो कि अभी आप इसको महसूस करेंगे, और डेफिनेटली इसमें आपकी तैयारी में काफी सहयोग करेगा। ऐसी तैयारी आपके लिए मैं लेकर आया हुआ हूँ। ठीक है, तो चलिए अपन क्लास स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन क्लास स्टार्ट करने के पहले बहुत कुछ मुझे बताना होता है और आपको जानना भी चाहिए कि आन अकेडमी क्यों स्पेशल है और किस लिए आपके लिए इतना हम मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो आन अकेडमी बच्चे, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आन अकेडमी पूरे भारत का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप चाहते हैं कि किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी की तैयारी आपकी हो और वो भी घर बैठे, तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा माध्यम है अन अकेडमी। अन अकेडमी एक ऑनलाइन कोचिंग संस्थान है, ये आप समझ सकते हैं। और इस ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से आप किसी भी प्रकार की जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी होती है, चाहे वो आपका स्टेट का हो, स्टेट पीसीएस व्यापम से लेकर आपके जितने भी आपके सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं, यहाँ पर सबकी तैयारी करवाई जाती है। तो आपके लिए इसके लिए क्या क्या करना होगा, मैं आपको आने वाले जितने भी अभी स्लाइड अभी मैं बताऊंगा, उसमें ये सारी चीजों की स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आप अन अकेडमी के साथ कैसे जुड़ सकते हैं और कैसे तैयारी कर सकते हैं। ये तो एक फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यूट्यूब एक माध्यम है बच्चे, आप लोगों तक पहुंचने का और आप लोगों को बताने का कि अन अकेडमी क्या चीज दे रहा है और कैसे आप अन अकेडमी के साथ जुड़ेंगे। डेफिनेटली बहुत से बच्चे जो है मेरे माध्यम से भी अन अकेडमी में जुड़ रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से ही जो है, आप लोगों को मैं एक माध्यम देना चाह रहा हूँ अन अकेडमी को, ये बताना चाह रहा हूँ अन अकेडमी की अन अकेडमी एक ऐसा लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां से आपको डेफिनेटली बेनिफिट उठाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास के हिसाब से सबसे पहले तो बनता है कि मैं आपको अपना परिचय दूं। तो मैं हरीश कुमार साहू, जनरल स्टडी एप्टीट्यूड रीजनिंग और करंट अफेयर्स के मेंटर के तौर पे कुछ समय से अभी अन अकेडमी में मैं जुड़ा हुआ हूँ। और अन अकेडमी जुड़ के मैं काफी चीज अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि आप जैसे अच्छे बच्चों से मेरी मुलाकात हो रही है। ठीक है, तो चलिए इस मुलाकात को आगे बढ़ाते हैं और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको अन अकेडमी के कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में हम बात करना चाहेंगे। तो बच्चों, अन अकेडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ये तो आपको समझा चुका हूं मैं, लेकिन इस लर्निंग प्लेटफॉर्म में बहुत से ऐसे लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो अपने अपने हिसाब से अपनी तैयारी करवा रहे हैं बच्चों को। ठीक है, लेकिन अनअकैडमी स्पेशल क्यों है, उन सभी लर्निंग प्लेटफॉर्म से अलग क्यों है, इसके लिए कुछ खास बातें यहां पर है जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा और वो आपको डेफिनेटली समझना होगा। ठीक है, कि क्यों अदर लर्निंग प्लेटफॉर्म ये चीजें नहीं दे पा रही हैं जो अनअकैडमी देता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो देखिए, सबसे अच्छी बात है बच्चों, आप ध्यान रखिएगा कि आपको वीडियो क्लासेस जो है ना, वो रिकॉर्डेड की स्थिति में मिले, ये तो ठीक है, एक सुविधा है, लेकिन आपको वो टीचर प्रत्यक्ष भी तो दिखना चाहिए, लाइव भी तो दिखना चाहिए, और आपके समस्या समाधानों का लाइव वो आपके डिस्कशन कर सके, वो लाइव आपके सारे समस्याओं का निदान कर सके, ऐसी हमें फैसिलिटी चाहिए और वो फैसिलिटी देता है अन अकेडमी। ठीक है, तो अन अकेडमी काफी खूबसूरत लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि आपको लाइव डिस्कशन देता है। इसके अलावा यहाँ पर जितने भी आपके डाउट हैं, क्वेरीज हैं, वो बच्चे आप ऑनलाइन पूछ सकते हैं, लाइव पूछ सकते हैं। ठीक है, ऐसा आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा मन में, कई बच्चों का क्या रहता है कि ऑनलाइन में कैसे पढ़ाई होती होगी, क्या होता है, तो मैं डेफिनेटली आपको एक खुले रूप से प्रस्ताव देता हूं कि आप सबसे पहले तो अन अकेडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म एक बार डाउनलोड करके देखिए। और यहाँ पर कुछ फ्री क्लासेस भी चलती है, जिसे हम लोग स्पेशल क्लासेस कहते हैं बच्चे। ये स्पेशल क्लासेस ऑलरेडी मेरी भी चल रही है 8 बजे से 9 बजे, ये आप एक बार अटेंड करके देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है, और आप डेफिनेटली आप अच्छा महसूस करेंगे। इसके अलावा टॉप के एजुकेटर यहाँ से जुड़े हुए हैं, और इंडिया के जितने टॉप के एजुकेटर हैं जो बैंक के एग्जाम प्रॉपरली तैयारी करवाते हैं, ऐसे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं जिनसे आपको पढ़ने का बहुत अच्छा अवसर मिलने वाला है। ऐसा शुभ अवसर आपको और कोई कोचिंग संस्थान नहीं दे सकता, जहां पर एक ही मंच में, एक ही आपके प्लेटफॉर्म पे ढेरों टीचर आपको नजर आएंगे जो टॉप के एजुकेटर हैं।
ठीक है, तो ये आप समय बिल्कुल आपको चूक नहीं करनी है, जल्दी से रिसेंटली आज ही आपको अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, तो अन अकेडमी लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर पे जाके करना है, मैं बताऊंगा आगे। तो लाइव क्लासेस की फैसिलिटी यहाँ पे मिल रही है बच्चे। दूसरी बात, एक और विशेष बात यहाँ पे होने वाली है, ये भी आपको ध्यान रखना है, वो क्या है, लाइव टेस्ट सीरीज की। तो मेरे भाई ये भी आपको समझना होगा कि आप तैयारी करने से सिर्फ बात नहीं बनने वाली, आपको ये भी तो समझना होगा कि क्या उसके लिए आपको टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप को इवेल्युएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। आपकी प्रिपरेशन किस स्तर पे है, आप किस पोजिशन पे हैं, इसे आप अगर एनालाइज करना चाहते हैं तो आपका टेस्ट सेल्फ आपको असेसमेंट आपके लिए होना चाहिए। और इसका लाइव टेस्ट और क्विजेस होता है मेरे भाई यहाँ पे, ये बहुत ही अच्छे माध्यम से दिया जाता है। हम यहीं पे आपको अन अकेडमी के वो स्पेशल फीचर्स के माध्यम से यहाँ पर टेस्ट और क्विजेस हम लेके बताएंगे आपको कि यहाँ पर कैसे आप इस अन अकेडमी की फैसिलिटी से जुड़ सकते हैं, और डेफिनेटली आप बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ये देखिएगा, ठीक है। दूसरी एक तीसरी बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, वो है स्ट्रक्चर्ड कोर्स की। तो भाई ये भी समझिए कि अगर सिलेबस बनाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, अगर किसी रिक्रूटमेंट की पर्टिकुलर अगर सिलेबस तैयार की जाती है, तो वो सिलेबस यही बताता है आपको कि उसी के दायरे में रह के आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो ये बात आपको मैं पहले ही बता दूं कि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख चुका है कि ऑल ऑफ योर कोर्स स्ट्रक्चर्ड इन द लाइन विथ योर एग्जाम सिलेबस टू हेल्प योर बेस्ट प्रिपरेशन फॉर इट। कहने का मतलब ये हो रहा है कि आपका जो यहाँ पर सिलेबस हम जो बच्चे बनाते हैं, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम पढ़ाते हैं, यहाँ पर सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है। तो एग्जाम ओरिएंटेड जो है आपका सिलेबस यहाँ पर तैयार होता है, जो सिलेबस रिक्रूटमेंट में दिया गया है पर्टिकुलर, उसी के हिसाब से तैयारी कराई जाएगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब एक स्पेशल फीचर्स जो कि आपको और दिख रहा है बच्चे, ये तो काफी जरूरी हो जाता है किसी भी बच्चों को समझने के लिए, तो ध्यान से समझिए क्या है। अनअकैडमी एक बहुत अच्छा लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब ये लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप जुड़ेंगे कैसे, तो जुड़ने के लिए यहाँ पर दो प्रकार की क्लासेस चलती है। एक क्लास चलती है जिसको हम लोग फ्री क्लास कहते हैं, ये स्पेशल क्लास के रूप में चलती है, स्पेशल क्लास के पैटर्न पे। ये स्पेशल क्लास आप मेरा भी देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और जितने भी बड़े लेवल के टॉप के एजुकेटर हैं उनको भी आप इसको देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अब एक होता है पेड कोर्स। तो देखिए बच्चे, एक अच्छी और जरूरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आप ये भी कहेंगे कि सर जब फ्री में पढ़ा रहे हैं तो पेड कोर्स क्यों। देखिए बच्चे, ये भी आपको मैं बता दूं कि पेड कोर्स इसलिए चलाया जाता है कि वो एक टारगेट बैच होता है, और उसमें और भी टीचरों की काफी ज्यादा मेहनत वहां पर लगती है, और एक शुल्क तो बनता है, क्योंकि विदाउट मनी आपको कोई प्रॉफिट यहाँ पर नजर नहीं आएगा, ना कोई संस्था में नजर नहीं आएगी। और यहाँ पर तो आपको एक अच्छी बात बताऊं कि आपसे शुल्क उतना ही लिया जा रहा है जितनी हमें जरूरत है, और जितने में आपकी पढ़ाई एक अच्छे लेवल पे हो सकती है। यहाँ पे कोई महंगी फीस नहीं है, एकदम सस्ती फीस में आपका बैंक का पूरा एग्जाम का तैयारी होने वाला है। मतलब बैंक में तो सोचो आप कितने प्रकार के आपके बैंक के रिक्रूटमेंट हर साल आते हैं, हर साल IBPS रिक्रूटमेंट निकालता है, ठीक है। और IBPS क्या क्या रिक्रूटमेंट निकालता है, क्लर्क का निकालता है, प्रोविजनरी ऑफिसर का निकालता है, इसके अलावा आप ये देखेंगे कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर का निकालता है, ये तो IBPS का हो गया। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो SBI तो ये रिक्रूटमेंट सेम निकालता है अलग अलग पैटर्न पे, ठीक है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर का, ऑफिस असिस्टेंट का, PO का, क्लर्क का, ये SBI भी रिक्रूटमेंट अलग से करती है अपनी। NABARD की बात करें, RRB की बात करें, RBI की बात करें, तो जितने अलग अलग पूरे साल भर में जो अलग अलग आपके बैंक के एग्जाम के पेपर होते हैं, वो सिर्फ एक फीस में होने वाली है। बहुत अच्छी बात है, बहुत सरप्राइजिंग बात है आपके लिए, है ना। आप महसूस कीजिएगा, क्या आप किसी अगर लर्निंग प्लेटफॉर्म पे या किसी कोचिंग में जब प्रवेश लेते हैं तो क्या ये पॉसिबल है कि आप 100 टीचर से आप पढ़ पाए, नहीं, जो पर्टिकुलर बैच में आपको एडमिशन दिया जाता है उसी पर्टिकुलर बैच को ही आप अटेंड कर पाते हो, और ये आपकी मजबूरी बन जाती है। तो मजबूरी में कोई तैयारी नहीं होती मेरे भाई, ये हमेशा ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, कि मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा कि सिर्फ एक फीस दीजिए, और बैंक एग्जाम में जितने भी अलग अलग पेपर होते हैं सबकी तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म पे होने वाली है, वो है अनअकैडमी के अनलिमिटेड एक्सेस के माध्यम से, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर और भी लोगों को कुछ कंफ्यूजन रहता है कि अनअकैडमी में हम आएंगे तो पर्टिकुलर एक बैच में पढ़ाया जाएगा क्या, नहीं, आपको यहाँ जितने बैचेस चल रहे हैं सबको देखने की छूट मिल जाती है। मतलब सीधा जितने टॉप के एजुकेटर है ना, वो आपके लिए अनलॉक हो जाते हैं, सब खुल जाते हैं, और जितने बैचेस है ना सभी बैचेस अटेंड करो यार, फ्री में, एक बार सिर्फ वन टाइम फीस देनी है। और वो फीस कितनी है ना, वो आगे की स्लाइड में बता रहा हूं, इतनी कम फीस तो मैंने अभी महसूस नहीं किया कि किसी कोचिंग में देते होंगे, ठीक
ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्या है। तो देखिए बच्चे, ये है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, कुछ इस टाइप से दिखेगा। ये आपके मोबाइल फोन में ही आप ईयरफोन डालिएगा और शुरू हो जाइएगा पढ़ने का। तो कैसे इस अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म को डाउनलोड करना है, इस एप्लीकेशन को, तो ये ऐसे दिखेगा गूगल प्ले स्टोर पे। आप यहाँ पर जाइएगा, इंस्टॉल कीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद बच्चे क्या होगा कि आपके मोबाइल फोन पे कुछ ऐसा दिखाई देगा ये, ठीक है। ये आप देख रहे हैं आपके मोबाइल फोन पे, ये स्क्रीन पे ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। आपको यहाँ पे सिंपल सी बात क्या है कि यहाँ पे जो थ्री डॉट दिख रहा है ना, लाइनिंग दिख रही, यहाँ पे आपको मैनेज गोल्स करना है। एक शब्द लिखा रहेगा मैनेज गोल्स, भाई आपका लक्ष्य क्या है, कौन से पर्टिकुलर एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, वो आपको दर्ज करनी है। ऐसी बात नहीं है कि आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ बैंक एग्जाम का ही वहां पर आप मेंशन करेंगे, नहीं भाई, ऐसी आपको मन में दुविधा नहीं रखनी है। आप जितने भी एग्जाम के यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, उतने एग्जाम के एजुकेटर, वो भी टॉप के एजुकेटर, वो आपको दिखने यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे भाई, ध्यान रखिएगा। जितने टॉप के एजुकेटर यहाँ पे बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं ना, सभी के आपको फ्री क्लासेस दिखेंगे। फ्री क्लासेस को फिर से मैं रिमाइंड कर दूं, ये स्पेशल क्लासेस के तौर पे चलता है, इसे हम फ्री क्लास कह सकते हैं। इसके माध्यम से आप टॉप के एजुकेटर से कुछ पढ़ाई कर सकते हैं। कुछ पढ़ाई इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए बच्चे, यहाँ पर पूरे कोर्सेज जो है वो अलाउ नहीं किए गए हैं, कुछ कोर्सेज जो है वो यहाँ पर नहीं रख पाते हैं, उसके भी कुछ कारण है। कारण मैं स्पष्ट तौर पर अभी नहीं कहूंगा, लेकिन आपको बस इतना कहना चाहूंगा कि आपको एक छोटी सी फीस रखी जाती है, वो है पेड कोर्स के माध्यम से प्लस कोर्स में आने का। तो जहां भी प्लस लिखा रहेगा, आपको तीन लेयर पे यहाँ पे कोर्सेज दिखाई देंगे, एक फ्री, एक स्पेशल और एक प्लस कोर्स। तो आपको प्लस कोर्स में जैसे ही आप ऑप्शन डालेंगे तो आपको सब्सक्राइब करने को बोला जाएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आपको वो फीस दिख जाएगी कि आप वो फीस पर्टिकुलर कितने महीने के लिए क्या है, मैं आगे के स्लाइड में उसको आपको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लस कोर्स क्या है, पेड कोर्स है और बहुत कम फीस है, ये आगे के स्लाइड में आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये है अनअकैडमी का एक टेलीग्राम ग्रुप, इसमें भी आपको जुड़ना है। टेलीग्राम ग्रुप इसलिए बनाया गया है कि हम जितने भी टॉप के एजुकेटर यहाँ पर पढ़ाते हैं, सबके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो इस अनअकैडमी के इस टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको जुड़ना है। ये आपको URL दिख रहा है, इतना भी डालिएगा तो भी जुड़ जाएंगे, नहीं तो फिर से बैंक एग्जाम क्वेस्ट भी सर्च करोगे ना तो भी आप इस ग्रुप में जुड़ जाओगे, ठीक है, इज इट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये दिख रहा है आपको सब्सक्रिप्शन, अब इसमें भी ये आपको समझना है कि कौन सा ले और कौन सा न ले, क्योंकि सुविधा तो अनअकैडमी सभी प्रकार से दे दी है, वो तो एक महीने से लेकर 24 महीने तक की सुविधा दे रहा है, लेकिन आपके लिए कौन सा ज्यादा बेटर रहेगा ये मैं आपको बताना चाहूंगा। तो ध्यान दीजिए, यहां पर बच्चे 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन है, 3 मंथ का भी है और 6 मंथ का भी है और 12 और 24 महीने का भी, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आपके लिए सबसे अच्छा 1 साल वाला सब्सक्रिप्शन या 2 साल वाला सब्सक्रिप्शन ज्यादा अच्छा रहेगा। अब कारण समझिए क्यों। जो बच्चे पहले से, बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए भी 1 महीना का सब्सक्रिप्शन ठीक नहीं है। कारण ये है कि 1 महीने के ड्यूरेशन में आपके लिए तो पूरे अनलॉक हो जाएंगे, सभी टीचर को आप देख पाएंगे, सभी कोर्सेस को देख पाएंगे, लेकिन आप कितना पढ़ पाएंगे, है ना। 1 महीना तो यूं चुटकी में निकल जाता है यार, समझने में, कॉन्सेप्ट क्लियर करने में और रिमाइंड करने में। कितने भी आप पढ़े लिखे क्यों ना हो, 1 महीने के सब्सक्रिप्शन में आपको सुटेबल नहीं होगा, ये मेरा राय है। 3 महीने का बेटर हो सकता है, बेटर नहीं कहूंगा, हो सकता है ठीक ठाक है। 6 महीने का चलो ठीक है, ये भी हो सकता है, लेकिन किन बच्चों के लिए, ये भी तो ध्यान रखना है। तो ये उन्हीं के लिए ज्यादा ठीक हो सकता है जिनका कॉन्सेप्ट पहले से ठीक ठाक हो, जिन्हें ये पता हो कि बैंक के एग्जाम की तैयारी कैसे करते हैं, ठीक है, तभी ये पॉसिबल है। आपको ये लगता है कि आपका बेस पहले से ठीक ठाक है, आपको पता है कि ये बैंकिंग या सरकारी नौकरी की तैयारी क्या होता है, अगर इसको समझना है या आप समझ के आप बैठे हुए हैं, समझ के बैठे हुए, तब ये 3 या 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आपके लिए ठीक हो सकता है। लेकिन अब विशेष बात ध्यान रखिए, जो बच्चे अभी तक तो बिल्कुल भी ये तैयारी नाम की चीज को नहीं समझते हैं या फिर एकदम नए हैं, सिर्फ मैं यही बात बोलूंगा, बिल्कुल नए हैं या थोड़ी बहुत तैयारी वो कर रहे थे लेकिन चूक जा रहे थे, उनके लिए मैं कहूंगा सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान रखना है 12 महीने का सब्सक्रिप्शन। और 12 महीने का सब्सक्रिप्शन बच्चे सिर्फ और सिर्फ है आपकी फीस कितनी, 5,400 रुपए। 6,000 रुपए ये आपको दिख रही कटौती करके फिर 5,400 रुपए रखी गई, कारण क्या है ये भी समझिए। ये जो 6,000 रुपए की जो फीस दिख रही है ना बच्चे, इसमें आपको कोड डालना होगा HK2020। जब आप सब्सक्रिप्शन लेने वाले रहेंगे ना तो आपको कोड डालना है HK2020।
और फिर क्या हो जाएगा, आपकी जो पूरी जो फीस है वो 10% क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और मात्र 5,400 रुपए में आपका 12 महीने का सब्सक्रिप्शन खुल जाएगा। और जितने टॉप के एजुकेटर हैं, जितना पढ़ाई आप यहाँ कर सकते हैं उतना पढ़ाई कीजिए, जितने बैचेस अटेंड करने हैं उतने बैचेस अटेंड कीजिए। तो ओवरऑल मैं आप सभी से यही कहूंगा कि आप 12 महीने के सब्सक्रिप्शन प्लान या 24 महीने के सब्सक्रिप्शन प्लान ही आपको लेना है, बाकी आपके लिए उचित नहीं है। ये मेरा एक निजी सजेशन है आपके लिए, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा बच्चे, 12 या 24 महीना। 24 महीने के लिए भी फीस कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 1,000 रुपए के डिफरेंस में ही आपको ये दो दो साल के लिए ये सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। 2 साल तक तो आप ना जाने, डेफिनेटली मैं आपको गारंटेड कहता हूं कि 2 साल तक अगर ये अगर आप ले लिए तो 2 साल की अवधि में आपकी गवर्नमेंट जॉब कोई नहीं छीन सकता, यदि आप अच्छे पढ़ने वाले हैं और तन्मयता के साथ पढ़ने वाले हैं। तो ये डेडिकेशन रखिएगा, और डेफिनेटली ये 24 महीने का इन्वेस्टमेंट आपको लाइफ टाइम एक प्रकार से ध्यान रहेगा, याद रहेगा कि हाँ मैंने ये सब्सक्रिप्शन लेके गलती नहीं किया। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि छोटे मोटे सब्सक्रिप्शन में फंस के अपना पैसा फिजूल मत कीजिएगा, क्योंकि अनअकैडमी तो फैसिलिटी सबको देता है, लेकिन आप वो फैसिलिटी आपके सुटेबल है कि नहीं है ये आपको सोचना है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा बच्चे, 12 या 24 महीने का सब्सक्रिप्शन ही आपको लेना है। और मेरा रेफरल कोड बिल्कुल ध्यान रखिएगा, HK2020, ये डालने पर ही आपकी 10% की फीस कम होगी, ठीक है? तो HK2020 ये रेफरल कोड आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? ओके, ये सारी चीजें अगर क्लियर हो गई होगी तो हम आगे बढ़ते हैं। और किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो अगर सब्सक्रिप्शन लेने में या कोई भी समस्या हो तो कमेंट्स बॉक्स पे मुझे कमेंट्स कीजिएगा, डेफिनेटली मैं उसका आंसर दूंगा और आपकी समस्या का निदान करूंगा, ठीक है? तो HK2020 मेरा रेफरल कोड है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं जनरल अवेयरनेस फॉर सिलेबस, ठीक है? तो जनरल अवेयरनेस का सिलेबस हमारे लिए क्या कहता है, इसको मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है और आप सभी के लिए ये भी काफी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो देखिए बच्चे, हम ओवरऑल अभी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स हमारा 55% पे अभी हम इसे पढ़ना है। अगर हम स्टेटिक जनरल अवेयरनेस की बात करें बच्चे, तो स्टेटिक जनरल अवेयरनेस का पोर्शन यहाँ पर हमें 25% लेना है और 20% पे हमें बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर का तैयारी करना है, ठीक है? आउट ऑफ टोटल 100% में मैंने अलग अलग इसको कैटेगरी में बांट दिया है, और इस कैटेगरी में और छोटे 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 मैंने सब टाइटल यहाँ पर डाले हुए हैं जहां से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको अलग अलग और छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने बांट दिया। तो मेरी पिछले की वीडियो आपको जरूर देखनी है, पिछले का आप जितने भी वीडियो है वो जरूर देखिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों को शामिल कीजिएगा, तभी ये स्ट्रेटेजी समझ में आएगी और बहुत सारे एमसीक्यू लेवल के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। बहुत से बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर आपकी टाइमिंग क्या चल रही है, तो देखिए अभी फिलहाल तो मेरी टाइमिंग जो है 10:30 बजे यह तो डेली चल रही है, 5 बजे वाली क्लास जो है वो शाम को चलती है, ठीक है? 5 बजे शाम को, और ये सुबह चलती है इसी टाइमिंग पे, इसी YouTube चैनल पे मेरी ये क्लासेस हैं। और स्पेशल क्लास की बात करूं तो डेफिनेटली स्वागत है आपका स्पेशल क्लासेस पे, 8 बजे से 9 बजे आप आइएगा, लेकिन आपको एक शर्त है, वो है अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म डाउनलोड करना है। अनअकैडमी का लर्निंग प्लेटफॉर्म आपको कैसे डाउनलोड करनी है मैंने बता दिया है, और 8 बजे से 9 बजे मेरी स्पेशल फ्री क्लासेस चल रही है आप लोगों के लिए, ठीक है? तो चलिए ये भी ध्यान रखना है आपको। अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स पे, तो आज का करंट अफेयर्स मैं फटाफट पढ़ने जा रहा हूँ बच्चे, थोड़ा एकदम फटाफट ध्यान रखेंगे। गोल लॉन्चेस ऑनलाइन स्टार्टअप, फर्स्ट न्यूज पे आते हैं, गोल लॉन्चेस ऑनलाइन स्टार्टअप प्लेटफॉर्म स्टार्टअप इंडिया शोकेस, ठीक है? एक प्रकार से स्टार्टअप इंडिया शोकेस करके लॉन्च किया गया है, और मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल, इस मिनिस्ट्री के जो आपके मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उनके माध्यम से इसकी लॉन्च की गई है, ठीक है? आगे बढ़े। चलिए, हाय सर, इन डिटेल्स होगा करंट अफेयर्स? नहीं, इसके साथ पूरे एमसीक्यू लेवल के भी क्वेश्चन हैं, ठीक है? थोड़ा जुड़े रहिए आप, जस्ट इसको मैं फटाफट पढ़ रहा हूं, उसके बाद फिर हमारा एमसीक्यू लेवल का भी क्वेश्चन होगा, ठीक है? कोई भी क्वेरीज हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पे कमेंट्स कीजिएगा, मुझे कमेंट्स आपका दिखता है और उसके हिसाब से डेफिनेटली मैं आपको आंसर दूंगा। तो पूरा थ्योरेटिकल नहीं है बच्चे, इसके बाद हमारा एमसीक्यू लेवल का क्वेश्चन भी है, अभी थोड़ा सा बने रहिएगा, फिर हम वो भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? और आप आंसर बताएंगे, 2 मिनट में नहीं आएगा तो मैं डेफिनेटली उसका आंसर बताऊंगा। चलिए, सेकंड नंबर का न्यूज हमारे पास आ रहा है बच्चे, स्मृति ईरानी जी का। स्मृति ईरानी जी जो ऑलरेडी लॉन्चेस द फर्स्ट एवर ब्रांड एंड लोगो ऑफ द इंडियन कॉटन, ठीक है? इंडियन कॉटन के जो लोगो और ब्रांड की बात हो रही है वो हमारे एक आपके केंद्रीय मंत्री हैं यूनियन मिनिस्टर के तौर पर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल,
यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल है ना, स्मृति ईरानी जी, इन्होंने लॉन्च किया है फर्स्ट एवर ब्रांड लोगो फॉर द इंडियन कॉटन। ठीक है, तो ये तो बात हो गई चले न्यूज की, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या याद रखनी है हमें, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, आपके चेयरमैन पर्सन के तौर पे, मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे जो कॉटन कॉर्पोरेशन के, इंडिया के जो कॉटन कॉर्पोरेशन है, यहाँ के प्रमुख व्यक्ति कौन है, प्रदीप कुमार अग्रवाल। ठीक है, अब सेकंड न्यूज आता है, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ द इंडिया हेडक्वार्टर्स कहाँ पर पड़ता है, तो आपको याद रखना है मुंबई। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ द इंडिया फाउंडेड कब हुआ है भैया, तो ये 31st 1970 को। ठीक है, आगे बढ़े, चलो रशिया पे आ जाते हैं। रशिया का एक न्यूज आया है, रशिया सक्सेसफुल टेक्स्ट फायर आपके आपके शर्कॉन करके, जो हाइपरसोनिक की बात हो रही है, टी शर्कॉन करके। ठीक है, तो इसकी बात हम कर रहे हैं, यहाँ पे एक हाइपरसोनिक जो है आपके मिसाइल लॉन्च की गई है भाई। और इस मिसाइल की बात करें तो रशिया के प्रेसिडेंट की बात होती है, तो पुतिन जी है यहाँ पे, है ना, व्लादिमीर जो आपके पुतिन है, पुतिन जी जो है ये आपके अभी फिलहाल रशिया के प्रेसिडेंट है। और इसकी अगर हम बात करें तो आपको एक न्यूज मैंने इसके पहले भी बताया था बच्चों, और फिर यहाँ पर रिपीट कर दूं, ये जो पुतिन है इनके यहाँ और ऑलरेडी एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड करके हुए हुए हैं, जिसके तहत जो है पुतिन जी जो है आगे और राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं, ऐसी बातें आई हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इस रशिया का कैपिटल क्या है, तो मकाओ आता है भाई। ठीक है, और रशिया की अगर हम करेंसी की बात करें तो रूसियन जो है रूबल। ठीक है, तो रशियन रूबल जो है यहाँ की करेंसी है, तो यहाँ से भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए इसको मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। इसके हिसाब से फिर आपके बहुत सारे एमसीक्यू लेवल के क्वेश्चन बनेंगे, वो भी हम करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ओके, अनदर स्लाइड है बच्चे आपके लिए, और स्लाइड पे है कुवैत का। तो कुवैत के जो अभी रिसेंटली आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, है ना, सबा अल खालिद अल सबा रिजाइन। ठीक है, ये जो है अभी वर्तमान में आपके पीएम है भाई, तो पीएम प्रधानमंत्री के तौर पे ये हैं। और कुवैत के कैपिटल की बात करें तो कुवैत सिटी है, और कुवैत के करेंसी की बात की जाए तो कुवैत दिनार। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिफ्थ नंबर पे है गुजरात गवर्नमेंट टू लॉन्च डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दो आपको ध्यान रखने हैं आपके करंट अफेयर्स के तौर पे। एक तो सबसे पहले याद रखनी है भाई कि गुजरात के भी वर्तमान के जो सीएम है, सीएम कौन है, विजय रूपाणी जी। और गवर्नर की हम बात करें तो आचार्य देवव्रत जी की बात होती है, तो आचार्य देवव्रत आपके यहाँ पे कौन है, राज्यपाल है। ठीक है, यहाँ पे राज्यपाल है, क्लियर है, चले लाइफ चेंजर मोटिवेशन। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बच्चे यहाँ पे एक्सिस बैंक की एक बात आ रही है, एक्सिस बैंक टाई अप विद द विस्तारा टू लॉन्च को ब्रांडेड फॉरेक्स कार्ड। ये क्या है, तो विस्तारा का अगर हम बात करें तो इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें तो गुड़गांव जो है हरियाणा क्षेत्र ये पड़ता है, और ऑलरेडी इन्होंने लॉन्च किया है को ब्रांडेड फॉरेक्स कार्ड, है ना। इसके बाद अगर हम बात करें विस्तारा के सीईओ की, तो ये आपके लेस्ली थंग जी जो है इसके ऑलरेडी सीईओ है, सीईओ। आगे अगर बात करें एक्सिस बैंक के हेडक्वार्टर्स की, तो ये भी आपको ध्यान रखना है मुंबई महाराष्ट्र पड़ता है। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से यहां पर एक न्यूज है आपके लिए, काफी अच्छा न्यूज है, एक्सिस बैंक ऑफ एमडी एंड सीईओ की बात करें तो अमिताभ चौधरी जी, इनका भी नाम आपको याद रखना है, अमिताभ चौधरी। तो एक्सिस बैंक के बारे में जो खबरें आई है बच्चे, ये भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए अनदर है आपका सेवन नंबर पे एक न्यूज है, जी वेंकट रामू अपॉइंटेड एमडी एंड द सीईओ ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीबी, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है ना, अगर हम बात करें एक न्यूज की, तो प्राइम मिनिस्टर जो हमारे मोदी जी हैं, उन्होंने लॉन्च किया है आईपीपीबी, और वो भी कब, 2018 में, 2018 में किया गया है। दूसरे न्यूज पे चलते हैं, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की अगर बात हो रही है, तो वाज इनकॉर्पोरेटेड एज द पेमेंट बैंकिंग कंपनी अंडर द सेक्शन 22(1) ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो आपके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत 1949 के तहत एक आपका सेंक्शन, सेक्शन 22(1), ठीक है, इसके तहत पेमेंट बैंक कंपनी, ठीक है, इसकी स्थापना की बात आती है। ठीक है, इसके द्वारा ही लाया गया है। और बात करें इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की, तो इसके हेडक्वार्टर्स की बात करेंगे, तो ये क्या है,
न्यू दिल्ली, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। अब एनदर न्यूज है बच्चे, यहां पर फिर से आ जाइए। गोल अपॉइंटेड एम राजेश्वर राव एज द आरबीआई डिप्टी गवर्नर। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के तौर पे अभी नवनियुक्त जो जिनकी बात हो रही है एम राजेश्वर राव, ये आपको नाम याद रखना है, क्योंकि रिसेंटली अगर हम बात करें आरबीआई के 25th नंबर के गवर्नर की बात करें तो शक्तिकांत दास जो है इसके अभी 25th नंबर के गवर्नर थे, ठीक है। और हेडक्वार्टर्स की अगर हम बात करें 25th नंबर के गवर्नर के तौर पे अभी कौन है वर्तमान में, अभी शक्तिदास कांत हैं, लेकिन डिप्टी गवर्नर की अगर हम बात करें तो ये नवनियुक्त हैं एम राजेश्वर राव। हेडक्वार्टर्स की बात करें तो बच्चे ये है मुंबई, और ये कब अस्तित्व में आया आरबीआई, तो ये भी ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 1935 कोलकाता, ठीक है, हमारे स्वतंत्रता के पहले आरबीआई की जो है स्थापना हो चुकी थी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, एफएम लॉन्चेस इंडियन बैंकिंग बिजनेस मॉनिटरिंग प्रोग्राम एमएसएमई प्रेरणा। तो ये एक प्रकार से एमएसएमई की एक प्रेरणा करके एक नई योजना का शुभारंभ किया गया है, और एमएसएमई सेक्टर को काफी और अच्छे से बढ़ाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। एमएसएमई सेक्टर में आपको पता ही होगा कि यहाँ पर जितने भी लघु और छोटे या माइक्रो बिजनेस जितने भी होते हैं ये एमएसएमई के तहत आते हैं, ठीक है। तो इसको और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए और इसकी वित्तीय सहायता के दृष्टिकोण से और उन्हें फाइनेंशियल से लेकर बिजनेस सहायता तक के लिए, ठीक है, इसको प्रमोट करने की बात हो रही है, इनको सहयोग करने की, तो इसके लिए प्रेरणा करके एक एमएसएमई प्रेरणा करके एक योजना की शुभारंभ किया गया। ये आप देख रहे होंगे हमारे वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन जी, ठीक है, तो इन्हीं के माध्यम से ये लॉन्च किया गया है। ऑन अप्रैल 1, 2020 अलाहाबाद बैंक ऑफ, है ना, आपके इसकी अगर हम बात करें तो विद इंडियन बैंक, ठीक है। और दूसरी न्यूज है यहाँ पर इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ की बात करें तो पद्मजा चुंदरो, ये अभी वर्तमान में एमडी और सीईओ बैंक ऑफ इंडिया, मतलब इंडियन बैंक की बात करते हैं तो इंडियन बैंक की, बैंक ऑफ इंडिया नहीं बोलेंगे, इंडियन बैंक की, ठीक है। द टैगलाइन क्या है, तो भैया टैगलाइन है इंडियन बैंक का योर ओन बैंक, ये वर्ड जरूर याद रखिएगा, टैगलाइन है। और टैगलाइन क्या है इनका, इंडियन बैंक का योर ओन बैंक, ठीक है। चलो आगे बढ़े फिर से, चलो एक और न्यूज आ रहा है बच्चे आपके लिए, काफी अच्छी बात है, अनदर स्लाइड पे, और यहाँ पे बात आ रही है एपीआई का, ठीक है। तो एपीआई का मीन्स क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इसके माध्यम से जो है इंटीग्रेशन बिटवीन द पीएम स्वनिधि और एसबीआई पोर्टल लॉन्चेड, ठीक है। तो फर्स्ट न्यूज क्या है, द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स विल इंटीग्रेटेड द एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस एपीआई बिटवीन द स्वनिधि पोर्टल और वेरियस बैंक एंड द एक्सपेडाइट लोन सैंक्शनिंग एंड द डिसबर्समेंट प्रोसीड गवर्नमेंट मोदी गवर्नमेंट्स पीएम स्वनिधि स्कीम फॉर द नैनो एंटरप्राइज, छोटे जितने भी आपके एंटरप्रेन्योरशिप हैं, है ना, स्मॉल जो है उनके लिए ये सारी चीजें की गई है। टू बिगिन विद द मिनिस्ट्री लॉन्च द एपीआई इंटीग्रेशन बिटवीन द स्वनिधि पोर्टल एंड द एसबीआई ई मुद्रा पोर्टल, ये दोनों के बीच में जो है एक प्रकार से एपीआई इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है, इन दोनों के माध्यम से। और थर्ड न्यूज है, मिनिस्टर ऑफ द स्टेट आईसी, मिनिस्टर ऑफ द स्टेट आईसी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, तो अभी वर्तमान में ये मिनिस्ट्री को देखने वाले कौन है, हरदीप सिंह पुरी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्ट्री के तौर पे, मिनिस्टर के तौर पे कौन है, हरदीप सिंह पुरी, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। चलिए 11 नंबर पे नोबेल प्राइज की बात हो रही, मेरा पिछले वीडियो जरूर देखिएगा, नोबेल प्राइज की हमने डिस्कशन किया, उसमें भौतिक जगत में, मतलब आपके भौतिकी में किनको किनको मिला है, रसायन शास्त्र में किनको मिला है, मेडिसिन में किसको मिला है, ये मैंने ऑलरेडी, ये क्लासेस हो चुकी है मेरी, पिछले वीडियो आपको जरूर खंगालना है ताकि आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नोबेल प्राइज, वो भी साहित्य जगत में, तो साहित्य जगत में 2020 का अनाउंसमेंट हो चुका है बच्चों यहाँ पे। और साहित्य जगत में अगर हम बात करें तो नोबेल प्राइज विजेता के तौर पे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक अवार्डेड है किया गया है इन्हें, और वो भी अमेरिकन
एक पोएट है, कवित्री है, जिसका नाम क्या है, लुईस ग्लक, ठीक है, फॉर हर अनमिस्टेकेबल पोएट्री वॉइस एंड दैट विल, है ना, ऑस्टर ब्यूटी मेक्स इंडिविजुअल एक्सिस्टेंस यूनिवर्सल, मतलब एक अच्छे आवाज और एक अच्छी कवित्री के तौर पे इन्हें नवाजा गया है, और ये लगभग इनको पुलित्जर पुरस्कार से भी ऑलरेडी सम्मानित किया जा चुका है, और 2020 में अभी इनको जो है ये नोबेल पुरस्कार साहित्य जगत का मिला हुआ है। तो ये नोबेल पुरस्कार से संबंधित आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये एक प्रकार से स्वीडिश अवार्ड के तौर पे ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है ना। और आपको पता है कि एक स्वीडिश जो हमारे वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, उनके जो जमा पूंजी थी, संपत्ति थी, उनके बेस पे ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल के उनको एक प्रकार से उनकी संपत्ति के माध्यम से ही ये नोबेल पुरस्कार जो है एक पुरस्कार के तौर पे प्रतिवर्ष कला साहित्य जगत पे, इसके अलावा आपके साइंस से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड, ऐसे लोगों को ये एटलीस्ट शांति के लिए, पीस के लिए भी ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ओके, चलो अनदर न्यूज है आपका 12वें नंबर पे, बस दो तीन न्यूज और बचे बच्चे, फिर उसके बाद हम एमसीक्यू लेवल के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखिए 12th नंबर पे क्या है, नोटेड ओडिया पोएट नित्यानंद नायक टू रिसीव द सरला पुरस्कार, काफी जाना माना, ये भी अच्छा पुरस्कार माना जाता है एक प्रकार से पोएट के तौर पे, ठीक है। तो उड़ीसा के एक व्यक्ति है, और उड़ीसा के व्यक्ति का नाम क्या है, नित्यानंद नायक, ये इनको एक पुरस्कार मिला है सरला पुरस्कार। और सरला पुरस्कार क्यों और किस लिए मिला है, तो ये इनका एक रचना है, इनकी एक लिखी हुई एक कविता है ना, सेटे बेलाकू नथीबा, ठीक है, ये पब्लिश हुआ है 2017 में, इसके लिए इनको पुरस्कार दिया गया है, वो भी सरला पुरस्कार से इनको नवाजा गया है, ठीक है। और रहने वाले कहाँ से हैं, ओडिशा से हैं भाई, तो ओडिया पोएट के तौर पे ये जाने माने एक कवि, ठीक है, ये मैंने पिक्स लगा दिया, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर पे, तो 13 नंबर का एक और काफी अच्छा न्यूज है आपके लिए, इंडियन एयरफोर्स का आ रहा है, इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है भाई 8 अक्टूबर को, ठीक है, 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखनी है, इंडियन एयरफोर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर बाय द इंडियन एयरफोर्स 8 अक्टूबर। और अगर हम बात करें चीफ ऑफ एयर स्टाफ की, तो यहाँ पे राकेश कुमार सिंह भदौरिया अभी फिलहाल ये अभी यहाँ पर चीफ के तौर पे हैं एयरफोर्स स्टाफ में, ठीक है। अब लास्ट न्यूज है, फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर अश्वनी कुमार पासेस अवे, लेकिन ये अश्वनी कुमार और पहले क्या रह चुके हैं, तो फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर एंड नागालैंड एंड द एक्स सीबीआई डायरेक्टर अश्विन कुमार पासेस अवे, ठीक है, जो कि अभी इनका निधन हो चुका है। ही वॉज बोर्न एंड द नहान, ये ध्यान रखिएगा, ये जो है स्थान है, इस डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करते थे। और अगर हम बात करें ज्वाइनिंग की, तो ये ऑलरेडी इंडियन पुलिस फोर्स में 1973 में इनकी ज्वाइनिंग हुई थी, ठीक है, तो ये व्यक्ति अभी इनका हाल ही में अभी निधन हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं बच्चे, तो आज आप लोगों के लिए काफी सारे क्वेश्चन हैं, और इस क्वेश्चन में आपको लगभग 10 क्वेश्चन यहाँ पर करने हैं, तो 10 क्वेश्चन में पढ़ने, सॉरी क्वेश्चन नंबर, पहले स्लाइड थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर लेते हैं, खैर कोई नहीं। तो एक क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड स्पेस वीक 2020, पहला क्वेश्चन आपके लिए पढ़ रहा हूँ, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड स्पेस वीक 2020, वर्ल्ड स्पेस वीक मनाया गया है, ठीक है, 2020, तो इसका थीम क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ये पूछा गया है, स्पेस एंड स्टूडेंट्स है, या सैटेलाइट इंप्रूव लाइफ, उपग्रह जो है वो हमारे जीवन में इंप्रूव करता है, वो हमें आगे बढ़ा रहा है ऐसा है, या इंस्पिरेशन एंड एजुकेशन, या इंटरनेशनल कॉरपोरेशन इन स्पेस, कौन सा ऑप्शन आप लोग कहते हैं, फटाफट कमेंट्स कीजिए अगर आंसर आता है तो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, आंसर मैं बताऊंगा आपको ऑलरेडी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या कहते हैं,
कोई आइडिया इसके बारे में? कमेंट्स कर सकते हैं। देखिए, गलत होने के डर से आप कमेंट्स नहीं करेंगे तो दिक्कत है। आपको कमेंट्स करना है, अगर गलत होगा तो मैं उसके लिए बैठा हुआ ऑलरेडी। ठीक है, तो ऑप्शन ए बी सी डी, चार ऑप्शन मैंने दिए हैं, चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर आप सही करते हैं बताइए। चलिए, आंसर कुछ आइडिया इसके बारे में? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड स्पेस वीक 2020? कोई आइडिया नहीं है? चलो कोई बात नहीं, इसका राइट आंसर आप लोग को लेना है बी ऑप्शन। ठीक है, सैटेलाइट हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, ठीक है, इंप्रूव करेगा हमारी लाइफ को, ऐसी बात आपको ध्यान रखनी है। इसका सब्जेक्ट ही क्या है, यही था। तो वर्ल्ड स्पेस वीक ये मनाया गया 2020 को, और इसका थीम क्या था, सैटेलाइट इंप्रूव लाइफ। ठीक है, चलो अनदर क्वेश्चन है बच्चे आपके लिए। विच सिटी वॉज द रिवेन्यू ऑफ मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर क्वेड कंट्रीज हेल्ड इन अक्टूबर 2020? बीजिंग है, सिडनी है, टोक्यो है, या न्यू दिल्ली? कोई आइडिया बच्चे इसके लिए कुछ भी? क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट आंसर दो यार, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे जाके बात ही करेंगे इसमें। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, लेकिन आंसर आपको देने की कोशिश करनी है कि आंसर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चलो मेरा क्वेश्चन क्या था, ये क्लियर हुआ ना? अक्टूबर 2020 में क्यूयूएडी क्वेड देशों ने विदेशी मंत्रियों की बैठक का स्थल कौन सा शहर था? तो विदेशियों का जो एक बैठक का स्थल था वो कहाँ आयोजित किया गया था, क्या बीजिंग है, सिडनी है, टोक्यो है, या न्यू दिल्ली? कोई नहीं सोच रहा है तो चलो मैं आपको बताता हूँ आंसर क्या होगा, टोकियो होगा। तो टोकियो जापान में एक त्रिस्तरीय काफी अच्छी मीटिंग हुई है, जिसमें देश विदेश के जाने मानी हस्तियां जो है उन्होंने शामिल हुए थे वहां पे। ठीक है, और ये टोकियो शहर में हुआ था। विदेश मंत्री जो हमारे डॉक्टर जयशंकर, विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर, ये जयशंकर जी ने भारत का, इंडिया का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था हमारे तरफ से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैज पार्टनर्ड विथ विच फूड एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म रिगार्डिंग द पीएम स्वनिधि स्कीम? तो ऐसे चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ऐसे कौन से ऑप्शन यहाँ पर आप लेंगे? क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के जो मंत्रालय हैं, पीएम स्वनिधि योजना के बारे में किस फूड एग्रीमेटर प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी किया है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्या जोमेटो है, या स्विगी है, या डंजो है, या उबेर? मैं कमेंट्स बॉक्स पे भी हूँ बच्चे, आपको जो आंसर सुटेबल लगेगा प्लीज रिप्लाई कीजिएगा। अच्छा, भूपेंद्र जी कह रहे हैं स्वी, अच्छा सी ऑप्शन आपका जो क्वेश्चन 7 का था बिल्कुल सही है बच्चे। 8 नंबर पे आ जाइए, 8 नंबर का क्वेश्चन आप क्या कहते हैं? अच्छा स्विगी, जी बिल्कुल स्विगी, स्विगी आपका राइट आंसर। ठीक है, स्विगी साथ, स्विगी जो कंपनी है एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी ही है ये,
इसके साथ अभी हाल ही में हमारे जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स वाली जो मिनिस्ट्री है, इनके साथ एक प्रकार से टाई अप किया है फूड एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के तौर पे स्विगी कंपनी से। ठीक है, ओके, चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। व्हाट इज द परम सिद्धि? परम सिद्धि क्या है? एआई दैट वाज सीन इन न्यूज रिसेंटली, अभी न्यूज में चर्चा में था ये परम सिद्धि, आपने सुना है क्या? वो सुपर कंप्यूटर है, रोबोट है, ड्रोन है या मिसाइल है? तो क्या है परम सिद्धि? एक क्या है? सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, मुख्यालय के तौर पे आप पुणे लीजिएगा, पुणे 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 महाराष्ट्र जो है वहां पर इसका मुख्यालय यहीं पर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच फॉरेस्ट इज सेड टू बी ए रिस्क ऑफ चेंजिंग फ्रॉम फॉरेस्ट टू सवाना एज पर रिसेंट स्टडी? क्वेश्चन आप लोग के लिए क्या है यहां पर? क्वेश्चन नंबर टेन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ, थोड़ा सा फटाफट आइए। क्वेश्चन नंबर 10 में हम पहुंच गए हैं, आप उसके पहले का आंसर दे रहे हैं। परम सिद्धि क्या है? सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, ये हो गया ना। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए भाई, हम 10 पे पहुंच चुके हैं। ये क्वेश्चन है कि हाल ही में किए गए एक अध्ययन के अनुसार वन से सवाना में बदलने का जोखिम क्या है, रिस्क क्या पड़ता है? कांगो रेन फॉरेस्ट है, अमेजन रेन फॉरेस्ट है, डेंट्री रेन फॉरेस्ट है या आपके टोंगास राष्ट्रीय वन? फास्ट कमेंट्स कीजिए, यस या नो। नहीं, क्लियर नहीं हो रहा है ना। चलो, इसका राइट आंसर आप लोग लेंगे बी ऑप्शन, अमेजन। अमेजन रेन फॉरेस्ट की हम बात करें तो ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अमेजन रेन फॉरेस्ट आपको राइट आंसर के तौर पे लेना है। ठीक है ना भाई, अमेजन रेन फॉरेस्ट। और अमेजन रेन फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो ये भी सुनिए इसके बारे में, नेचर कम्युनिकेशन नामक जो जर्नल है उसमें एक प्रकाशित हाल ही में एक अध्ययन में कहा गया है कि दो अतिरिक्त जो आपके सेनारियों के तहत अगर हम देखें, परिदृश्य के तहत देखें, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का जो है वो लचीलापन का पता लगाया गया है, एक फ्लेक्सिबिलिटी उसमें पता चली है। और अध्ययन के अनुसार ये कहा गया है कि अमेजन में वर्षा बहुत कम है, 40% तक जंगल कम, पेड़ों और जैव विविधता के साथ सवाना जैसा वातावरण बदलने का खतरा है। इसलिए अध्ययन ने यह भी कहा है कि अब सदी के अंत के बीच में जीवाश्म ईंधन से उत्सर्जन के प्रभाव को प्रेरित किया जाएगा। ठीक है, चलो 11 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, तो इसका राइट आंसर आप लोग को क्लियर हो गया ना, अमेजन है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं बच्चे, नेम द विनर्स ऑफ 2020 नोबल प्राइज इन फिजिक्स। फिजिक्स का भी नोबल पुरस्कार हाल ही में दिया गया था, मेरी पिछली वीडियो आप जरूर देखिएगा। आप स्पेशल क्लासेस के भी वीडियो आपको देखना है भाई, स्पेशल क्लासेस की मेरी वीडियो आपको मिलेगी 8 बजे से 9 बजे वाली अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी का, उसमें 8 बजे से 9 बजे वाली क्लासेस मेरी चल रही है, उसमें आपको इसका आंसर डेफिनेटली मिल जाएगा। आप वहां पे आते नहीं है, प्रॉब्लम ये, आप जितनी भी मैं क्लासेस बता रहा हूँ डेफिनेटली सब क्लासेस को अटेंड करनी है मेरी वाली, तभी आपको पूरी पाठ्यक्रम समझ में आएगा। किसी भी एक में आप थोड़ा सा भी समय गुजारेंगे और कहेंगे कि मुझे ये क्लियर हो जाए, तो नहीं क्लियर होगा। ठीक है, कोई भी वीडियो जो है वो पूरा देखा करें तब क्लियर होगा, और पिछले वीडियो को भी आप देखा करें तब क्लियर होगा, प्लीज रिक्वेस्ट है। नहीं तो आप अचानक से किसी भी वीडियो को देखेंगे, लाइक अनलाइक करेंगे, कोई मतलब नहीं, ना आपके लिए फायदे में है ना मेरे लिए फायदे में। तो स्ट्रिक्टली मैं कहूंगा कि आप पिछला वीडियो बिल्कुल देखा करें और भी दोस्तों को शेयर किया करें, और जितना भी आपको मेरी क्लासेस चल रही हैं सब क्लासेस को आपको देखना होगा, एटलीस्ट स्पेशल क्लासेस जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है वहां भी आइए, और सभी फ्री है यार, तो फ्री में तो कम से कम आइए। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, फ्री फ्री की चीजें लोग, या तो जो लोग समझते हैं वो समझते हैं, नहीं तो फ्री की चीजों में तो और लोगों का ध्यान नहीं रहता, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं पेड कोर्स लीजिए। ठीक है, पेड कोर्स लीजिए फिर, जिनको फ्री में नहीं पढ़नी है। तो चलिए आ जाते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर अगर किसी बच्चे को सूझ रहा हो तो बताओ यार। चलो 5 सेकंड और दिया मैंने, राइट आंसर क्या है? चलो 5 सेकंड आपके पास है, ये खत्म भी हो रहा है, 5 सेकंड तो बहुत मुश्किल है बोलेंगे, चलो 30 सेकंड दे दिए, अब बताओ।
30 सेकंड दे दिए, ऐसे ही कुछ चंद सेकंड ही मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में, इसीलिए क्लास थोड़ी फास्ट लगेगी, चंद सेकंड में आपके आंसर देने। ऑप्शन ए बी सी डी ई, क्या बात है आप लोग, कमेंट्स थोड़ा सा अच्छे से नहीं आ पाता है, आप लोग इतने लोग जुड़े हैं लेकिन कमेंट्स की कमी है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है थोड़ा कमेंट्स फास्ट किया करें। नहीं पता रहता है तो एन लिख दिया करें, एन फॉर नो, ठीक है, मैं फटाक से आपको इसका आंसर बताऊंगा, लेकिन आपको मोबाइल पकड़ के बैठे नहीं रहना, तुक्का नाम की चीज से बचना है, कोई तुक्का नाम की चीज नहीं होती, थोड़ा भी आप पढ़े रहोगे तो वो रिमाइंड होता है माइंड में, तभी आप आंसर बता पाते हो, ठीक है, ये बात जरूर ध्यान रखें। कोई आंसर नहीं सूझ रहा है, चलो आगे बढ़े, चलो इसका आंसर अपन देते हैं फिर। नहीं बिल्कुल कमेंट्स कर सकते हो भाई, कमेंट्स करने में हमें कोई तकलीफ नहीं है, आप जो भी कमेंट्स करोगे, कुछ चीज पूछना भी है, सबका हम जवाब देंगे, ठीक है, जवाब देने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्लीज आप कमेंट्स जब तक नहीं करोगे तो दिक्कत है, ठीक है। तो आंसर सी, सी आंसर इज राइट योर आंसर, ठीक है, राइट आंसर के तौर पे आपको सी ऑप्शन लेना है। आपके रोजर पेनरोज की बात करें, चाहे रिचार्ड की बात करें और एंड्रियास की, ये तीनों लोगों को ये संयुक्त रूप से ये पुरस्कार फिजिक्स में मिला, तो फिजिक्स में ये पहले जो इनका नाम लिखा हुआ इनको 50% दिया गया, और बाकी जो बचा है ये दोनों में 50% का पार्टनर इन दोनों को बनना पड़ेगा, ठीक है, तो इन तीनों व्यक्तियों को मिला के ये 2020 का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो फिजिक्स में बहुत ही क्षेत्र में ये उनको मिला, ठीक है, आगे बढ़े। चलो, नेम द नेक्स्ट एक्सटर्नल मेंबर्स ऑफ द एमपीसी कमिटी ऑफ आरबीआई अपॉइंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। या पिछली क्लास मेरी स्पेशल क्लास 8 बजे से 9 बजे वाला देखिएगा, जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे अभी पढ़ा रहा हूँ सबके आंसर आप यूं चुटकी में देंगे, क्योंकि ये पिछली क्लास में मैं पढ़ाता हूँ और उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगली क्लास में मैं देता हूँ, ध्यान रखिएगा। तो आपको एक यहाँ पे एमपीसी कमिटी होती है जो कि आरबीआई की है ना, यहाँ पर अपॉइंट किया गया है बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, न्यू एक्सटर्नल मेंबर्स के तौर पे, तो वो मेंबर्स का नाम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, डेफिनेटली यहाँ पे कुछ बच्चे एकदम नए लग रहे हैं मुझे, तो जवाब तो आने की अपेक्षा मुझे कम लग रही है, तो फटाफट मैं आंसर ही आप लोग को बता रहा हूँ, लेकिन बच्चे आपको मेरी क्लासेस आपको अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्पेशल प्लेटफॉर्म पे आना होगा, वहां पे आप ये क्लास देखिएगा, डेफिनेटली जैसे मैं अभी आपको आंसर बता रहा हूँ ना, डी ऑप्शन होगा, तो डी ऑप्शन क्यों होगा उसका जवाब आपको वहां मिलेगा। तो अशिमा गोयल जी, जयंत आर वर्मा और शशांक बेड़े, ये तीनों व्यक्तियों को जो है अभी एक्सटर्नल मेंबर्स के तौर पे एमपीसी कमिटी का बनाया गया जो कि आरबीआई का, ठीक है। चलो बात करते हैं 13 पे, तो विच डे ऑफ द ईयर सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड कॉटन डे। वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाया जाता है भाई, ये पूछा जा रहा है। ए बी सी डी ई क्या ऑप्शन लेते हैं हम, आंसर बी, चलो बहुत बढ़िया, एक का सही आंसर आ रहा है, बच्चा बोल रहा है 7 अक्टूबर होगा, तो बिल्कुल 7 अक्टूबर ही होगा बच्चे यहाँ पे, और 7 अक्टूबर क्यों होगा तो ये भी सुन लीजिए, इंडिया एंड म्यांमार आर वर्क टुगेदर द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द सेटवे पोर्ट इन द स्टेट ऑफ म्यांमार इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 के लिए पढ़ा, तो इसका राइट आंसर आपके लिए क्या हो जाएगा, म्यांमार। चलो मैंने गलती से ये क्वेश्चन पढ़ दिया, तो आपका राइट आंसर भी मिल गया म्यांमार, लेकिन क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होना था, तो 13 का आंसर तो मैंने आपको बताया कि 7 अक्टूबर होगा, और 7 अक्टूबर क्यों होगा, द WTO जो रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड कॉटन डे ये मनाया जाता है, WCD इज ऑब्जर्व ऑन द 7th अक्टूबर सिंस 2019,
7 अक्टूबर 2019 ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 14 का भी हो गया था। सिटवे पोर्ट विच शेड्यूल टू बी ऑपरेशनल, तो विच शेड्यूल है ये आपको ध्यान रखना है, म्यांमार, ठीक है। इन द ये क्वार्टरली है भाई, क्वेश्चन वन नहीं लिखना है, क्वार्टरली, फर्स्ट क्वार्टरली की बात हो रही है। 2021 हैज बीन बिल्ड इन द इंडिया विच कंट्री, तो दैट कंट्री इज म्यांमार, दैट इज म्यांमार। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। नेम द इंडियाज लार्जेस्ट एचपीसी एआई सुपर कंप्यूटर दैट विल बी कमीशन्ड बाय द सेंट्रल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक। तो यहां पर परम आनंद है या परम सिद्धि है या परम ज्ञान है या परम ब्रह्मा है या परम सरस्वती, ऐसी सेम क्वेश्चन आपने 11वें नंबर पे किया है, सॉरी सेम क्वेश्चन आपका आया था बच्चे 11वें नंबर वाला, और ये भी सुपर कंप्यूटर से है। तो इसी क्वेश्चन को आपको घुमा दिया है। पहले हमने एक शब्द बोला था परम सिद्धि करके, ये ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है, ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। अगर आपको क्लियर ना हो रहा हो तो मैं बता दूं, परम सिद्धि इज राइट आंसर। ये परम सिद्धि जो है, ठीक है, ये एक सुपर कंप्यूटर है और परम सिद्धि करके इसे लॉन्च किया गया है सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको सुपर कंप्यूटर लेना है, परम सिद्धि लेना है जो कि सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। तो 15 नंबर के क्वेश्चन में आपका ऑप्शन आ जाता है बी ऑप्शन, ठीक है। चलो द सेंट्रल ऑफ डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है फिर से 16 पे। तो 16 का आपको राइट आंसर बताना है क्या होगा। ब्रिक्स समिट 2020 विल बी हेल्ड वर्चुअली इन द नवंबर 2020, इट विल बी विच एडिशन ऑफ द एनुअल समिट, मतलब कितने नंबर का जो है ये वार्षिक सम्मेलन होने वाला है, जो आपका ब्रिक्स सम्मेलन है ये कितने नंबर पे होने वाला है, कितने भी नंबर पे है, इसका राइट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 16 का। 12वें नंबर का है बच्चे, 12वें नंबर का, 12th नंबर का। तो 12वें नंबर का जो ब्रिक्स समिट 2020 होने वाला है ये नवंबर में जो कि होगा, इसमें ये 12वें नंबर का आपका है, ठीक है। तो 12वें नंबर का ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है 2020 में वर्चुअली, और वो भी कौन सी तिथि में, नवंबर में ये होने वाली है, ठीक। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चे आपके लिए, और क्वेश्चन नंबर 17 ये कहता है कि विच बैंक हैज रिसेंटली बिकम्स द फर्स्ट इन द कंट्री टू लॉन्च डेबिट कार्ड फैसिलिटी फॉर द कस्टमर अवेलिंग लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी LAS फ्रॉम द बैंक। ICICI बैंक है, यस बैंक है, HDFC, एक्सिस है या कोटक महिंद्रा, क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, चलो मैं कमेंट्स बॉक्स पे हूँ, डेफिनेटली आंसर बताने के पहले एक बार कमेंट्स बैक चेक कर रहा हूँ मैं आप लोग के लिए। अच्छा भूपेंद्र जी बोल रहे हैं, हाँ ऊपर वाले का तो 12 है, बिल्कुल बिल्कुल, नीचे वाले का ए ऑप्शन, बहुत बढ़िया। चलिए भूपेंद्र जी बोल रहे हैं ICICI बैंक होना चाहिए, और बिल्कुल सही आंसर है आपका, ICICI बैंक ही है, ठीक है। तो कौन सा बैंक है, ICICI बैंक है, जिन्होंने हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट बैंक इन कंट्री टू लॉन्च द डेबिट कार्ड फैसिलिटी फ्रॉम द कस्टमर अवेलिंग द लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी LAS फ्रॉम द बैंक। चलो क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेट कंट्रीज फॉरेन मिनिस्टर मीट 2020 वॉज हेल्ड रिसेंटली, विच कंट्री आर द मेंबर ऑफ ग्रुप ABCDE, क्या ऑप्शन आप लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का। डी ऑप्शन, चलो भाई डी ऑप्शन जो है ये आप कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है। यहां पर ऑस्ट्रेलिया भी है, अमेरिका भी है, और संयुक्त राज्य अमेरिका है, और जापान भी है, चार ऐसे देश हैं
जो क्वेड कंट्रीज के नाम से जानी जाती है, क्वेड कंट्रीज, ठीक है, क्वेड कंट्रीज फॉरेन मिनिस्टर मीट 2020 वाज हेल्ड रिसेंटली, ठीक है, विच कंट्री आर द मेंबर ऑफ ग्रुप, तो कंट्री के नाम कौन कौन से हैं आपका, यूएस, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों है जो मेंबर हैं इस ग्रुप के, क्वेड कंट्रीज के, ठीक है, ओके। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, ये ध्यान रखिएगा। चलो अनदर क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट वॉज द प्रोफेशंस ऑफ द विशाल आनंद हु हैज पास अवे, अभी रिसेंटली में विकास आनंद जी का नाम पेपर पे आया था, और ये कौन से प्रोफेशन से थे, मतलब ये एक सिंगर थे कि एक्टर हैं कि स्क्रिप्ट राइटर हैं कि फिल्म डायरेक्टर हैं कि इकोनॉमिस्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 19, नहीं यहाँ पे दिक्कत हो रही है थोड़ा, आपको राइट आंसर यहाँ पे क्या लेना है, बी ऑप्शन लेना है, वो एक्टर भी थे और क्या थे, प्रोड्यूसर भी थे, ठीक है, दोनों दोनों के नाम से जो है आप विशाल आनंद जी को याद रखेंगे, विशाल आनंद ने एक पिक्चर भी बनाई थी, और ध्यान होगा कि एक पिक्चर आई थी आई थिंक चलते चलते जो मूवी है वो उन्हीं की है, ठीक है, देख लीजिएगा, तो विशाल आनंद आप सर्च करेंगे तो आप पाएंगे, ठीक है, हाँ एक्टर और प्रोड्यूसर है दोनों है। चलो क्वेश्चन नंबर 20, क्रिकेट प्लेयर नजीम ताराकाई हैज पास्ड अवे 29, ही यूज्ड टू प्ले विच कंट्री, कौन सी कंट्री से ये खेलते थे, एक खिलाड़ी हैं क्रिकेट खिलाड़ी, और कौन सी कंट्री से ये खेल रहे थे, बांग्लादेश है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कनाडा या जिम्बाब्वे। क्वेश्चन नंबर 20, तो राइट आंसर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान सही होगा बच्चे, अफगानिस्तान आपको लेना है, ये अफगानिस्तान के अफगानी एक प्रकार से खिलाड़ी थे, क्रिकेट प्लेयर थे, है ना, जहां से वो खेलते थे, और नजीम ताराकाई जो कि अभी हाल ही में उनका निधन हुआ है 29 को, 29 अक्टूबर है, सॉरी सितंबर, यार अभी तो अक्टूबर खत्म ही हुआ, सितंबर, ओके ध्यान रखिएगा। चलो आगे आ जाइए, विच कंट्री इज द चेयर ऑफ ब्रिक्स समिट 2020, ब्राजील, इंडिया, रूसिया, चाइना या साउथ अफ्रीका, काफी अच्छा प्रश्न है ये, क्वेश्चन नंबर 21 पे क्या आंसर लेंगे, विच कंट्री इज द चेयर ऑफ ब्रिक्स समिट 2020, 2020 की जो ब्रिक्स समिट होने वाला है उसके प्रमुख, अभी कौन सा देश उसकी प्रमुखता में है, कौन सा देश उनके संचालन में है, तो राइट आंसर क्या लेना है, रसिया, ठीक है, रसिया जो है इसके प्रतिनिधित्वकर्ता के तौर पे अभी यही रहेंगे, इनके प्रतिनिधि के तौर पे, प्रतिनिधित्वकर्ता के तौर पे, ठीक है, इसकी मेजबानी कह सकते हैं आप रशिया भी करेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 22, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंट एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स, 3 साल के लिए एक नव नियुक्त चेयरमैन जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नियुक्त किए गए हैं, उनका आपको नाम बताना है, आदर्श किशोर है, आलोक कुमार मिश्रा है या नरेंद्र सिंह है या दिनेश कुमार खरा है या एमडी माल्या, कौन है, क्या कहते हैं भूपेंद्र, क्वेश्चन नंबर 22 यार बताओ जवाब, दिनेश कुमार खरा, जी बिल्कुल दिनेश कुमार खरा आपका सही आंसर है, दिनेश कुमार खरा अभी हाल ही में नवनियुक्त हैं, जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंट द दिनेश कुमार खरा एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स, 3 साल के लिए। चलो लास्ट आपका तीन को दो, अच्छा पांचवें नंबर का क्वेश्चन यहाँ आ गया था, सॉरी मैं माफी चाहूंगा, ठीक है, तो चलिए ये दो क्वेश्चन का जवाब, कम से कम तीन क्वेश्चन का जवाब और दे दीजिए, फिर आज की क्लास हम जो है यहीं पर खत्म करेंगे बच्चे, ठीक है। तो नेम द आईपीएस ऑफिसर हु हैज बीन अपॉइंट एज द डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ एविएशन सिक्योरिटी, कौन है, क्वेश्चन नंबर 23,
इस क्वेश्चन को अभी रहने दीजिएगा। चलो चलो अभी यहीं तक का आप बताइए मुझे, बस इतने तक का आंसर आप बताइए क्या हो सकता है, फिर हम बात करते हैं। ये क्वेश्चन अगले स्लाइड से आगे है, पिछले स्लाइड से हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल ये बताइए मुझे, क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए। नेम द आईपीएस ऑफिसर हु हैज बीन अपॉइंट एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी बीसीएएस, कौन है? क्वेश्चन नंबर 23। एम ए गणपति सीनियर आईएएस ऑफिसर के तौर पे हैं भैया, ठीक है। तो सीनियर आईपीएस ऑफिसर के तौर पे, आईएएस नहीं, सीनियर आईपीएस ऑफिसर एम ए गणपति हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी बीसीएएस, ठीक है। और चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन आप लोग के लिए, हु वाज द हेड ऑफ सर्च कम सेलेक्शन कमिटी फॉर द एक्सटर्नल मेंबर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी एमपीसी ए बी सी डी ई, इकोनॉमी अफेयर सेक्रेटरी के तौर पे अभी कौन है? तरुण बजाज, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तरुण बजाज आपका एकदम सही आंसर है बच्चे, आपने तरुण बजाज कहा तो बिल्कुल यही आंसर आपको लेना है, ठीक है। तरुण बजाज वॉज द हेड ऑफ सर्च कम सेलेक्शन कमिटी फॉर द एक्सटर्नल मेंबर ऑफ एमपीसी एमपीसी मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी, ठीक है। चलो तो काफी अच्छा है, कुछ बच्चे का आंसर आता है तो अच्छा लगता है, आप लोग ऐसे ही आंसर दिया करें। नहीं आता है तो डेफिनेटली इसके बारे में हम बात करेंगे, और अगली जो क्लास होने वाली है मेरी 5 बजे की, उसमें भी आप लोग आइएगा, सादर आमंत्रित है, उसमें और भी बच्चों को जोड़िएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक और शेयर करो यार, ज्यादा से ज्यादा आप लोग आएंगे, कन्वर्सेशन होता है तो मजा आता है, और भी चीजें अच्छी होती हैं फिर, ठीक है। और भी चीजें मैं आपके लिए अच्छी लेके तो आते ही रहूंगा, लेकिन आपकी मौजूदगी जरूरी है, तो ध्यान रखिएगा बच्चे। मैं आपको आपको फिर से मैं अपना टाइम टेबल बता दूं, देखिए 10:30 बजे अभी मॉर्निंग में, ठीक है, और आपको 5 PM को इवनिंग में, ये इसी यूट्यूब चैनल पे, कौन सा यूट्यूब चैनल है हमारा अभी फिलहाल, बैंक एग्जाम क्वेस्ट, इस यूट्यूब चैनल पे आपको बने रहना है। यहाँ पे डेली अभी बैंकिंग अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस से जुड़ी चीजें मैं लेके आ रहा हूँ, साथ में आपको स्पेशल फ्री क्लासेस ये आपको देखनी है, कहाँ पे? अनएकेडमी के लर्निंग ऐप पे। और अनएकेडमी का लर्निंग ऐप कैसे डाउनलोड करनी है, तो आप प्ले स्टोर पे जाइएगा और वहां से आप लोग ये बस सर्च कीजिएगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप, आप वहां से जुड़ जाएंगे, और जैसे ही ये एप्लीकेशन आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, तो मुझे मेरा नाम सर्च कीजिएगा, हरीश कुमार आप सर्च करेंगे बच्चे, तो मेरा वहां पे प्रोफाइल जॉब जो भी है सारी चीजें मेरी प्रोफाइल शो करेगा, वहां मुझे क्या कर देना है, फॉलो कीजिएगा मुझे, आप फॉलो कीजिएगा, टिक लग जाएगा, फिर आपके जितने भी मेरे फ्री वीडियो हैं वो आप यहाँ पर देख पाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल फॉलो कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे वीडियो का आनंद लीजिएगा। 8 बजे से लेके 9 बजे मैं मिलूंगा आपको इस अनअकैडमी एप्लीकेशन पे रोजीना, ठीक है। तो रोज मेरी क्लास जो है 8 बजे से 9 बजे सुबह मॉर्निंग में अभी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे चल रही है, ठीक है। और एक अंतिम में बहुत स्पेशल चीजें जो मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार रिमाइंड कर दूं, ये बिल्कुल ध्यान रखना है बच्चे कि फ्री की क्लासेस में हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको चीजें समझ में आए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी रह जाती हैं जो हम फ्री की क्लासेस में नहीं दे पाते, इसलिए आपको
पेड कोर्स में आना होगा। अब पेड कोर्स मतलब आपको किस में आना होगा, प्लस कोर्स में। और प्लस कोर्स में आने के लिए क्या करना होगा, अनअकैडमी का डाउनलोड करना होगा लर्निंग ऐप, और यहां से आप बैंक एग्जाम में सेलेक्ट कीजिएगा। बैंक एग्जाम की एक साल की फीस मैंने आपको बताया 5,400 रुपए होगी, और ये कब होगी, जब ये मेरा रेफरल कोड दिख रहा है ना HK2020, ये डाल दीजिएगा। आप इतने रुपए में बैंक का कोई भी एग्जाम की तैयारी पूरे कितने दिन तक कर पाएंगे, एक साल तक। बहुत लंबा पीरियड है, इस पीरियड तक अगर आप अच्छे से इस वो कर लेते हैं तो एक साल में डेफिनेटली कहता हूं कि आपकी इतनी जोरदार तैयारी हो जाएगी कि आपका एग्जाम डेफिनेटली निकलेगा बैंक का, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको मेरे हिसाब से चलना होगा, एक साल का ही सब्सक्रिप्शन लेंगे तब ये अच्छे से पॉसिबल है, क्योंकि कम अवधि में अचानक से में आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगी, कॉन्सेप्ट आपका गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए एक साल की फीस 5,400 रुपए वाला, या फिर 2 साल की जो फीस है आपकी, ये और अच्छा सिक्योर हो जाएंगे। अगर जिन बच्चों को लगता है कि थोड़ा और समय तक आगे बढ़ाया जा सकता है, तो 2 साल की फीस मात्र 6,400 के आसपास ये पैसा आपको पड़ेगा, इसी के आसपास। और कब पड़ेगा, जब मेरा आप HK2020 रेफरल कोड वहां पर डालेंगे। ये मेरा कोड है बच्चों, हरीश कुमार HK2020। ये आपको किसी भी प्लस कोर्स खरीदने के पहले डालिए, कोई भी कोर्स में ना, ये बैंक एग्जाम में ही है, ऐसा नहीं है। अगर आप यूपीएससी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो, यहाँ पर लैंग्वेज की भी बाध्यता नहीं है। मैं अगर इंग्लिश में पढ़ा रहा हूं तो मैं हिंदी में भी पढ़ाता हूँ बच्चे, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर लैंग्वेज से संबंधित किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। एक गांव का भी बच्चा इस अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकता है, एक गांव का भी बच्चा, ध्यान रखिएगा। ऐसी बात नहीं है कि ये शहरी बच्चों के लिए है, ये हर बच्चों के लिए है, और हर बच्चों के लिए यहाँ पर कम फीस रखी गई है। और मेरा कोड डालिएगा HK2020, डेफिनेटली कहता हूं कि आपका बहुत बड़ा सहयोग रहेगा, सहयोग हो जाएगा मेरे माध्यम से HK2020 का, और आपका 10% की छूट यहाँ पर आपको मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा मेरा कोड HK2020, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास के लिए आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और मैं इस क्लास को और भी अच्छा बनाना चाहता हूँ बच्चों, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। और आपका सहयोग कैसे मुझे मिलेगा, कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप बिल्कुल कंटिन्यू मेरे वीडियो पर बने रहिएगा, तभी ये सहयोग मेरे लिए सही रहेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच आज की क्लास के लिए, फिर से हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आज शाम 5 बजे। ओके, थैंक यू वेरी मच।